वेलकम बैक फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे ग्रो ऐप के माध्यम से शेयर बाई एंड सेल कैसे किया जाता है। सबसे पहले ग्रो ऐप को खोलेंगे हम लोग को डैशबोर्ड ऐसे शो होगा, हम इतना शेयर बाई किए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्री, ICICI बैंक, टाटा मोटर्स, इतना शेयर हम बाई किए हैं होल्डिंग में। इस होल्डिंग का मतलब ये कि आप आज बाई कर रहे हैं, आप 1 साल 2 साल 4 साल 6 महीना 1 दिन 2 दिन बाद कभी भी सेल कर सकते हैं। और एक होता है इंट्रा ट्रेडिंग, जो कि सुबह 9:30 बजे बाई होता है और 3:30 बजे शाम को उसको बेचना ही पड़ता है। या तो आप ये देखिए इंट्रा ट्रेडिंग है, आप चाहे घाटा में हो या मुनाफा में आपको बेचना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये हम जोमाटो को खरीदे थे और हम बाई कर चुके हैं, और अभी हम HDFC निफ्टी 50 को अभी हम सेल करेंगे आप लोग के सामने। और ये अभी टाइम हो चुका है इसलिए हम इसको सेल करेंगे, और लिमिट कैसे सेट किया जाता है वो भी हम आप लोग को बताएंगे। अभी ये मान लीजिए शेयर बाज़ार चल रहा है 193 में, तो हम लोग को 195 या 197 रुपये में इसको कैसे सेल करना है वो ऑटोमेटिक ही सेल हो जाएगा अगर लिमिट सेट कर देंगे तो। तो बने रहें अंत तक हमारे वीडियो में और देखते रहिए, हम इसको अभी सेल करेंगे। फ्रेंड जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये आप खोलेंगे तो सेल एंड बाई शो करेगा। तो अगर आप लोग जितना भी शेयर बाई किए हैं सेल पे क्लिक करेंगे तो वो शो हो जाएगा कि आप इतना बाई किए हैं। उसमें से आप मान लीजिए 4 या 5 बाई किए हैं तो एक भी सेल कर सकते हैं, या 2-3 जितना मर्जी उतना सेल कर सकते हैं, लेकिन जितना बाई किए रहेंगे उससे ज़्यादा नहीं सेल कर पाएंगे। जैसे 5 बाई किए हैं तो 5 से 6 नहीं सेल कर सकते हैं। हम एक खरीदे हैं तो एक ही सेल करेंगे, 97 पे लिमिट सेट कर देते हैं। जैसे ही 97 पे आएगा ये हमारा ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा, अगर नहीं आएगा तो जितना प्राइस चल रहा है मार्केट के हिसाब से 3:30 बजे अगर आप नहीं सेल कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक वो सेल हो जाएगा, या तो फ़ायदा होगा या घाटा होगा। ये देखिए सेल ऑर्डर प्लेस हमारा हो चुका है, ठीक है। अभी हम इसको डिटेल में देखेंगे क्या शो कर रहा है। देखो ओपन ऑर्डर 1, कैंसिल भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है आप अगर लिमिट सेट कर दिए तो आपका मर्जी है, कभी भी कैंसिल कर सकते हैं जब तक वो सेल नहीं हुआ है। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए ऑर्डर रिक्वेस्ट, यानी ये रिक्वेस्ट ले चुका है, टाइम बता रहा है 8 फरवरी 23:12:30 PM। हम इस लिमिट को सेट किए हैं इस आधार पर ताकि 3:30 बजे तक 97 आएगा, इसलिए हम इसको सेट किए हैं। 193 अभी चल रहा है, आप लोग देख सकते हैं, मुझे उम्मीद है कि 197.45 हाई दिखा रहा है टुडे, तो 197 तक आने का चांस है। हम आप लोग को सलाह नहीं देते हैं कि आप लोग शेयर बाई करें या सेल करें, ये वाली एजुकेशन पर्पज़ के लिए हम वीडियो आप लोग को बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, इसमें हम आपको कोई सलाह नहीं दे रहे, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी हम लोग एक बाई करेंगे, ठीक है, जो हमेशा रख सकते हैं उसको डिलीवरी बोलते हैं। इसमें 2 टाइप का होता है, एक डिलीवरी एक इंटरडे। तो अभी हम लोग चॉइस करेंगे, अगर आप जान रहे हैं कि ये वाला अच्छा है तो उसी को आप लोग सर्च बार में सर्च करेंगे, टाइप करेंगे तो वो आ जाएगा सामने, क्योंकि इसमें बहुत सारे शेयर है ना। ये देखिए रिलायंस इंडस्ट्री सबसे ऊपर आ गया, इसको हम क्लिक करेंगे और हम इसी को बाई करेंगे, ये रखेंगे हमेशा के लिए, या 6 महीना 2-4 महीना जब भी देखेंगे बेनिफिट तभी। ये 0.24 पे अभी माइनस चल रहा है, तो कभी भी शेयर खरीदना चाहिए तो माइनस में ही खरीदना चाहिए ताकि वो आप लोग को बेनिफिट हो सके। अभी इसका मार्केट प्राइस है 2,305.90 रुपया है, 0.24% माइनस में है, इसलिए अभी इसमें ये देखिए लिमिट ऑटोमेटिक 2,352 रुपया सेट हो रहा है, लेकिन हम एट मार्केट प्राइस पे करेंगे तो 2,305 पे ये हो जाएगा, 2,305 रुपये में ये बाई हो जाएगा 90 पैसा में, एट मार्केट प्राइस अगर रखेंगे तो। देखिए डिलीवरी पे ही रखना है, इंट्राडे रखेंगे तो ये अभी बाई नहीं होगा क्योंकि अभी मार्केट बंद है, ठीक है, मार्केट क्लोज है, तो आप डिलीवरी में कभी भी बाई कर सकते हैं। हमारा ऑर्डर रिक्वेस्टेड हो चुका है, अभी जैसे ही कल सुबह 9:30 PM होगा ये हमारा चालू हो जाएगा, और कितना लो है कितना हाई है उसी टाइम से दिखने लगेगा, लेकिन मुझे लगता है कि कल ये इतना में ही ओपन होगा या इससे कम में भी ओपन हो सकता है, इससे ज़्यादा में भी ओपन हो सकता है, इसलिए हम इसको बाई कर रहे हैं, ठीक है।
तो अभी आप लोग को डिटेल दिखाएंगे। ये हमारा बाई हो चुका है, हम इसको खरीद चुके हैं। ये देखिए रिक्वेस्ट में चला गया है, दिखा रहा है 7:45 AM 8 फरवरी। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट